Hello students, in this video we are going to do the NCERT exercise numerical of chapter 5. So in the first numerical 5.1, what we have, let's see. In the first numerical we have given certain events, situations, and we have to find out the magnitude and the direction of net force in the given situation. We have to find out the magnitude and the direction of net force, not the force, net force. Okay? So let's do one by one. Our first situation is given: a drop of rain falling down with constant speed. हमें क्या दिया है? We have a drop, ठीक है, rain drop. This is to be rain drop, okay? And this rain drop is falling with constant speed. So इस बात में main, इस sentence में main चीज क्या है कि ये जो rain drop है ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, तो देखिए, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, तो यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो. हमने आपको बताया था इन द थ्योरी वीडियो कि किसी भी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन दो सिचुएशन में हमेशा जीरो होता है. समझिए, अ बॉडी हैव जीरो एक्सेलरेशन इन टू सिचुएशन. कौन कौन सी सिचुएशन? या तो बॉडी क्या हो, रेस्ट में, या उसका जो मोशन हो वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी या स्पीड क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट. तो ये आपको पुरानी बातें बताई थी. तो स्पीड अगर इसका क्या है, कांस्टेंट है, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हुआ, जीरो. और जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, जिस भी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, उस बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो. इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स का मीनिंग क्या बताया था, कि किसी भी बॉडी पर कितने भी फोर्स वर्क कर सकते हैं, दो तीन चार कितने भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सब का जो रिजल्टेंट है वही क्या कहलाता है, नेट फोर्स. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो. तो इस वक्त ये जो रेन ड्रॉप है जो डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो इस पर क्या क्या फोर्स हो सकते हैं. नंबर एक, इसका वेट mg डाउनवर्ड, और जो एयर है अपवर्ड एयर, ठीक है, जिसके साइड में एयर होगा वो इस पर ऊपर की ओर क्या लगाएगा, एक ड्रैग फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर. ठीक है, ये जो रेन ड्रॉप जब एयर में मूव करेगा तो इसका वेट डाउनवर्ड और एयर का जो ड्रैग फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस, तभी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. तो इन द फर्स्ट केस नेट फोर्स इज जीरो. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट बी पार्ट. व्हाट वी हैव, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर. देखिए क्या बोला गया, कि वी हैव अ कॉर्क और ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का मतलब ना तो ये नीचे जाता है पानी के और ना पानी के ऊपर आता है, बस एक ही जगह आराम से क्या करता है, तैरता है, फ्लोट करता है. ठीक है ना, द कॉर्क इज फ्लोटिंग. ठीक है, ये पानी की सरफेस पर आराम से
क्या करता है, तैरता है, ठीक है, ना तो ऊपर जाता है पानी के ना ही नीचे, यानी थोड़ा सा पानी के अंदर है थोड़ा सा पानी के बाहर है, ठीक है, फ्लोटिंग, ठीक है। जब पूरी बॉडी पानी के नीचे चली जाए, सिंक, या फिर बॉडी पानी पूरी पानी के सरफेस पर हो लेकिन फ्लोटिंग क्या होती है, आधी पानी के अंदर होती है आधी पानी के बाहर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। तो ना तो इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है ना ही वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, ठीक है। तो सिंस बॉडी इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब रेस्ट पर है, और जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बात बताई थी, कोई किसी भी बॉडी का नेट फोर्स जीरो कब होता है, या तो वो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो। वैसे इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, जो कॉर्क है वो अपना वेट एम जी डाउनवर्ड लगाएगा, और जो वाटर है, वाटर, वाटर इस पे क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट, अपवर्ड, ऊपर की ओर अप थ्रस्ट लगाएगा। तो ये अप थ्रस्ट और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अप थ्रस्ट आपको बताया था, एक वीडियो हमने बनाया था सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, तो वहां आपको अलग अलग फोर्सेस के बारे में बताया गया था, अप थ्रस्ट को भी हमने वहां डिस्कस किया था, ठीक है। द वर्टिकल फोर्स अप्लाई बाय लिक्विड ऑन बॉडी इज नोन एज अप थ्रस्ट। ओके, नाउ इन द सी पार्ट व्हाट वी हैव, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। देखिए क्या बोला गया है, हमारे पास एक काइट है और ये जो काइट है ये इसमें क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई, वो जो काइट है हमें गिवन है, देखिए वो हवा में तो है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या दी हुई है, स्टेशनरी है, यानी ना तो ऊपर आती है ना नीचे जाती है, ठीक है। तो सिंस काइट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पर है, काइट क्या है, स्टेशनरी यानी रेस्ट पर, तो यानी रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां हमें साफ दिया हुआ है कि जो काइट है वो एयर में है लेकिन स्टेशनरी है, रुकी हुई है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक ही जगह उसको रोक दिया गया है, तो स्टेशनरी है यानी रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा यानी नेट फोर्स जीरो होगा। वैसे इस पर आप बता सकते हैं कौन कौन से फोर्स होंगे, देखिए ये जो इसका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, इस काइट का अपना वेट mg डाउनवर्ड होगा, और जो एयर होगी, ठीक है, एयर, एयर भी इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, लेकिन ये सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, व्हाई, बिकॉज द काइट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, गिवन है हमें। ओके, नाउ कम टू द डी पार्ट, व्हाट वी हैव, हमसे कहा गया है अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए क्या मेन बात बोली है, जो कार है वो चल रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था एक्सेलरेशन दो ही केस में जीरो होता है, या तो बॉडी रेस्ट पर हो, दूसरा केस उसका मोशन यूनिफॉर्म हो, मोशन यूनिफॉर्म यानी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो, एक ही बात है। तो यहां अ कार इज मूविंग, ये कार है,
और वो एक रोड पर आराम से चल रही है, कार इज मूविंग, लेकिन वेलोसिटी क्या दे रखी है, कांस्टेंट, सिंस वेलोसिटी ऑफ कार इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैसे इस वक्त कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, देखिए जो कार का मूविंग फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स होगा, मूविंग फोर्स जिस कार को आगे की ओर लेके जाएगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, कार का वेट mg डाउनवर्ड, और रोड का जो रिएक्शन है वो क्या लगेगा, अपवर्ड। तो इस पे चार फोर्स लगेंगे, ठीक है, कार का वेट mg डाउनवर्ड, कार अपना वेट लगाएगी रोड पर mg डाउनवर्ड, रोड उसको रिएक्शन देगा r अपवर्ड, एक फोर्स है जो कार को आगे लेके जा रहा है, सड़क और रोड टायर के बीच का फ्रिक्शन पीछे की ओर, तो इट इज ऑल फोर्स विल बैलेंस टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट वन ई, तो देखते हैं इसको, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, मास एंड चार्ज। मास की वजह से एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन स्पेस में इतनी दूर है कि वहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स ना ही मैग्नेटिक फोर्स, और जब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्लियर हो गया, चलिए करते हैं इसको। ई पार्ट, सिंस इलेक्ट्रॉन इन स्पेस हैविंग नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस में है, कैसे स्पेस में, जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इंप्लाय दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास प्यारे बच्चों मैंने बताया दो ही चीजें होती हैं, मास और चार्ज। तो मास की वजह से वो क्या महसूस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से वो क्या महसूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन हमें गिवन कंडीशन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है स्पेस में कि वहां ना तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो दीज आर द सम केसेस जिसमें हमें बताना था कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या है। तो इस न्यूमेरिकल में मेन चीज ध्यान देने वाली क्या बात थी, कॉन्स्टेंट स्पीड, फ्लोटिंग, स्टेशनरी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यानी यहां यह न्यूमेरिकल केवल आपको यही बताना चाहता है कि आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रहे कि जब भी बॉडी या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा तो उस वक्त बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है और नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। ये हमारा इस चैप्टर का, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहीं
यही इन्हीं कंसेप्ट से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर आप थ्योरी के वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में ही ये सारी बातें हमने स्टडी करी थी। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.2 व्हाट वी हैव, अ पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम, पेबल एक तरह का पत्थर, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। एक पत्थर है, उसको हवा में ऊपर की ओर उछाला गया है और हमें फोर्स और फोर्स उस पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। किस किस केस में? नंबर वन, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। तो देखिए, लेट डू द न्यूमेरिकल, करते हैं, बहुत ही समझिए सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारे पास प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक पैबल, ओके, और इसको वर्टिकली ऐसे थ्रो किया गया है, ठीक है। यहां हमने इसको वर्टिकली थ्रो कर दिया। तो जब हम इसको थ्रो करते हैं तो ये पेबल ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये ऊपर की ओर जाता है, व्हेन इट मूव वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, इसका जो वेट है वो किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा किधर वर्क करता है, डाउनवर्ड, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो जब ये ऊपर की ओर चल रहा है, इस वक्त क्या कंडीशन है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इसका मोशन कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ऊपर थ्रो किया गया है, तो वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। और ये ऐसे मोशन इसका ऊपर की ओर है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचती है, तो उस वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एक जगह आके ये पैबल रुक जाता है। यहां आके ये पैबल क्या जाएगा, पैबल एट रेस्ट, और ये कौन सा पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा। क्लियर हो गया, ओके। अब जब ये हवा में रेस्ट पर है, वेट तो इसका तब भी किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड ही वर्क करेगा, ठीक है, चलिए। और उसके बाद जब ये रेस्ट पर आ जाता है, तो ग्रेविटी इसको फिर नीचे की ओर क्या करती है, दोबारा खींचती है, ग्रेविटी इसको फिर दोबारा डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है। तो अब इसका मोशन क्या हो जाएगा, पैबल का डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। तो जब ये डाउनवर्ड आता है, तो वेट एम जी तो अभी भी किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड ही मोशन करेगा। क्लियर हो गया। तो देखिए, यहां हमने क्या बात सीखी, बॉडी वर्टिकली ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और एक जगह आके वो क्या हो जाता है, बॉडी रेस्ट पे हो जाता है, जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ग्रेविटी उसको दोबारा नीचे खींचती है, वो नीचे की ओर मोशन करता है। तो चाहे वर्टिकली ऊपर अपवर्ड मोशन हो, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो, और चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पर आ जाए, हर केस में वेट एमजी किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड मोशन एक्ट करेगा। तो देखिए, फर्स्ट केस जो है हमारा, फर्स्ट केस ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। प्यारे बच्चों, अपवर्ड मोशन में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, m कितना है 0.05, g को हम क्या ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में g की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप अपनी सुविधा के लिए 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल बिकम 0.5 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन किधर है,
downward, downward. So this is the magnitude and the direction of force when the body move upward. Okay, B part देखते हैं इसका. B part में क्या पूछा है? During the downward motion. तो during downward motion, तो डाउनवर्ड मोशन में भी इस पर क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स. तो डाउनवर्ड मोशन में जो फोर्स होगा वो भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा और वो कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg 0.05 into 10 अगेन 0.5 न्यूटन और किधर? डाउनवर्ड. ठीक है, तो अब चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो दोनों ही केस में ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा डाउनवर्ड. चलिए नेक्स्ट सी पार्ट. उसने पूछा है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज बिकम मोमेंटरली एट रेस्ट. तो एट हाईएस्ट पॉइंट फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल. चाहे बॉडी अपवर्ड मोशन करे चाहे डाउनवर्ड मोशन करे और चाहे हवा में थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए, ग्रेविटी तो हर वक्त वर्क करती है बॉडी पर. तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg और कितना? 0.5 डाउनवर्ड. ठीक है, चलिए इसमें हमें एक स्पेशल केस दिया है पार्ट सी ने. डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रो एट एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देखिए इसने बोला है अगर आप पेबल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाते हुए थ्रो करें तो क्या होगा? सो व्हेन द बॉडी मूव बाय एंगल 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी को किसी एक सर्टेन एंगल से प्रोजेक्टाइल करते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस तो इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो क्या हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बॉडी इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में होगा. क्लियर? तो ये बॉडी चाहे किसी भी लोकेशन पर हो इस पर जो ग्रेविटी है वो हमेशा किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड ही वर्क करेगा. क्लियर हो गया? ये बॉडी चाहे कहीं भी हो ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड ही वर्क करेगा. तो देखिए इन ईच लोकेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड और वो कितना होगा? mg is equal to 0.05 into 10 is equal to 0.5 डाउनवर्ड. हर केस में बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहे किसी भी लोकेशन हो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा क्या करेगा? डाउनवर्ड ही करेगा. क्योंकि ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया था कि जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसका वर्टिकल मोशन चेंज होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो हॉरिजॉन्टली उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसीलिए तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है व्हाई? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और वो हर वक्त कितनी रहेगी? mg के बराबर पर डायरेक्शन डाउनवर्ड.
Now, in exercise 5.3, what we have, let's see. Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kilogram. We have a stone of mass 0.1 kilogram. And we have a different situation, or her situation mein hume stone par magnitude or direction nikalna hai net force ka. So let's see the first case. Ek ek karke sabhi case ko solve out karte hain. Dekhe first case kya bola hai pyare bachche. Just after it is dropped from the window of a stationary train. Dekhe case 1 kya hai pyare bachche hamare paas. In case 1, देखिए ट्रेन क्या है, वी हैव अ ट्रेन, ओके, और ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है, क्लियर हो गया, और ये विंडो, ओके, अब विंडो से क्या किया गया है, एक स्टोन को थ्रो किया गया है, ठीक है, ये यहां से विंडो से स्टोन को क्या किया गया है, थ्रो. तो जैसे ही विंडो से स्टोन को हम थ्रो करेंगे तो बेटा ट्रेन क्या है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वी हैव ओनली वर्टिकल फोर्स, और वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटी mg, ठीक है, सिंस ट्रेन इज एट रेस्ट हेंस नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जिस्ट, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं रहेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन स्टोन, स्टोन पे केवल क्या वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना होगा वो, F इज इक्वल टू एम जी, एम कितना है 0.1, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, और किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा किधर वर्क करता है, डाउनवर्ड. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. समझ में आया, ट्रेन रेस्ट में है यानी हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है, ओके, और स्टोन का हमने थ्रो कर दिया, तो जैसे हमने उसको थ्रो किया तो ट्रेन रेस्ट में है, स्टोन भी रेस्ट में होगा, और जैसे हमने उसको ड्रॉप आउट किया तो ग्रेविटी एकदम उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. जब जैसे ही, जरा ध्यान देना कब फोर्स पूछा गया है, वर्डिंग पे ध्यान देना, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप, छोड़ने के बाद, यहां शब्दों पर काफी ध्यान देना, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप, जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फोर्स पूछा है, यानी जब वो हवा में आ गया है, अभी आपने स्टोन को पकड़ा है और जैसे आपने उसको छोड़ा तो वो छोड़ते वो किस में आ जाता है, एयर में आ जाता है, तो जब स्टोन को आपने छोड़ दिया वो हवा में आया है तब आपसे फोर्स पूछा गया है, तो जब वो एयर में आ जाएगा तो स्टोन को क्या कर दिया, थ्रो, और वो केवल किस में आ चुका है, एयर में, तो एयर में तो केवल एम जी ही वर्क करेगा उसके ऊपर, ओके. Now move on the next case. B part. A part. B part में हमसे क्या बोला गया है? Just after it is dropped from the window of a train running at constant velocity. देखिए, पहले हमारा ट्रेन रेस्ट में था, लेकिन अब जो हमारा ट्रेन है, वो मूविंग ट्रेन है. Move with constant velocity. प्यारे बच्चों,
जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन होता है जीरो। जब भी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है, एफ इज इक्वल टू एम ए ए, तो एफ भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए, F is equal to m into zero, यानी zero, यानी horizontal में कोई force नहीं लगेगा, ठीक है? Since train is moving with constant velocity, hence acceleration zero, no horizontal force act, यानी horizontal में तो कोई force नहीं होगा। अब जैसे ही आप इसके चलती हुई ट्रेन से कोई stone बाहर फेंकेंगे, ठीक है, ट्रेन चल रही है लेकिन constant speed से, तो जैसे ही आपने stone को throw किया तो प्यारे बच्चों stone पर horizontal, देखिए ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और उसके अंदर जो स्टोन है तो वो भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ट्रेन के अंदर जो स्टोन है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन जीरो, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जैसे आपने स्टोन को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, हवा में छोड़ दिया, तो छोड़ने से पहले क्या वो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? नहीं। जब ट्रेन चल रही थी, स्टोन भी चल रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। व्हाई? बिकॉज़ वेलोसिटी कांस्टेंट था, और जब एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल जीरो, तो हॉरिजॉन्टल में वो कोई फोर्स महसूस नहीं कर रहे थे, और जैसे आपने स्टोन को छोड़ा और जैसे स्टोन हवा में आया वो एकदम क्या महसूस करेगा? ग्रेविटी महसूस करेगा। तो हवा में आते ही इन एयर उस पर क्या लग जाएगा? एमजी लग जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई वर्क नहीं करेगा, ओनली ग्रेविटी एक्ट ऑन स्टोन इन एयर, तो फोर्स क्या हो जाएगा? एमजी 0.1 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और किधर? डाउनवर्ड। तो चाहे ट्रेन रेस्ट में हो, चाहे ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में चले, दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? जीरो। और जैसे आप स्टोन को ड्रॉप आउट करेंगे तो हवा में वो केवल ग्रेविटी को ही एक्सपीरियंस करेगा। चलिए नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, लेकिन अब ट्रेन के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। कितना? यहां तो थी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात, और यहां क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगेगा। तो देखिए ये हमारी ट्रेन, और ये हो गया इसका विंडो। ट्रेन चल रही है कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो जैसे आपने स्टोन को थ्रो किया, ठीक है, स्टोन को थ्रो किया, तो स्टोन को थ्रो करने से पहले स्टोन के पास एक एक्सेलरेशन था। कितना एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यहां पे कितना एक्सेलरेशन था? जीरो, क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। लेकिन अब ट्रेन के पास क्या? एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन किसके पास होगा? स्टोन के पास भी होगा। तो जैसे ही स्टोन को थ्रो किया गया, स्टोन को विंडो से ऐसे थ्रो किया गया, तो स्टोन के पास क्या है? एक एक्सेलरेशन है। और जब वो हवा में आ गया, अब उसके पास एक एक्सेलरेशन और आ गया। कौन सा? ग्रेविटी का। जब वो ट्रेन में था तो उसके पास ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन था, और जैसे उसको फेंका गया, अब उसके
पास एक एक्सेलरेशन और आ गया, कौन सा? ग्रेविटी का। तो अब स्टोन नीचे नहीं जाएगा, अब स्टोन क्या करेगा, देखिए हवा में इस स्टोन का मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन तो इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा, स्टोन ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, तो इसका जो मोशन है हवा में वो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। स्टोन का जो मोशन क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टोन परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल एंड ग्रेविटी इन डाउनवर्ड। उस पर दो चीज लगेंगी, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, एक्सेलरेशन उसको ऐसे लेगा, तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होती है, चेंज क्या होती है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो फोर्स लगता है, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, केवल फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो ग्रेविटी है वो उसके वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को चेंज करती है, वेलोसिटी को चेंज करती है। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये सारी बातें जब हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो वहां सीखी थी। तो ये स्टोन भले ही प्रोजेक्टाइल मोशन करे, लेकिन इस पर जो फोर्स होगा वो तो केवल ग्रेविटी का ही होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए भले ही इसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना, द फोर्स एक्ट ऑन स्टोन इज इक्वल टू mg। ये स्टोन कहीं भी रहे हमेशा इस पर क्या लगेगा, mg ही वर्क करेगा, जो इसको नीचे की ओर लाएगा। ठीक है, तो यानी 0.1 इंटू 10 इंटू 1 न्यूटन और किधर, डाउनवर्ड। तो क्लियर हो, ट्रेन के अंदर अगर एक्सेलरेशन है तो फर्क ये होगा कि बस उसका मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो ग्रेविटी ही लगेगा। चलिए नाउ कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट क्या है देखते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर वाले स्टेटमेंट ड्रॉप करते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए नाउ कम टू द डी पार्ट, व्हाट वी हैव। डी पार्ट में क्या बोला गया, जो स्टोन है वो ट्रेन के फ्लोर पर रखा हुआ है, विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी ट्रेन है और जो स्टोन है, और ये जो ट्रेन है ये एक्सेलरेशन से चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो स्टोन है, स्टोन वो फ्लोर में रखा हुआ है। तो जरा ध्यान देना क्या होगा, जब ये फ्लोर पर है तो इसका वेट mg कहां लगेगा, फ्लोर पर लगेगा, और जो फ्लोर है वो स्टोन को क्या देगा, रिएक्शन देगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस, यानी वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन वर्टिकल mg इज बैलेंस्ड बाय रिएक्शन आर, यानी नो फोर्स एक्ट इन हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं, वो सॉरी इन वर्टिकल, तो वर्टिकल में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि mg और r एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस, स्टोन आराम से फ्लोर पे बैठा रहेगा। लेकिन ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो स्टोन है इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए फोर्स एक्ट ऑन
स्टोन इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगेगा, कौन सा? एम ए, एम कितना है 0.1, ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, किधर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्थ केस में वर्टिकल तो नहीं लगेगा क्योंकि एम जी को किसी ने बैलेंस कर लिया आर में, हाँ एक्सेलरेशन की वजह से वो हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स महसूस करेगा 1 न्यूटन का। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझाएगा और बहुत ही काम की बातें हैं अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है।